मॉर्निंग आप देख रहे हैं इंडिया 247 लाइव टीवी में आपके साथ दीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के थाना फाफामऊ क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान मुबासिर नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत चिंताजनक सी बनी हुई है। आपको बता दें वही वारदात के बाद हमलावर असलाह लहराते हुए फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी सी फैल गई है। आपको बता दें उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हालांकि यह घटना फाफामऊ थाना क्षेत्र के मध्यपुर का है। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मुबासिर नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकित समेत अन्य कुछ लोग घायल होने की सूचना है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हमला करने आए बदमाशों की सूचना लगातार घर वाले पुलिस को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। यह प्रकरण थाना फाफामऊ जिला प्रयागराज का है। रूदापुर गांव में मुदस्सिर अहमद और खुर्शीद अहमद का पक्ष रहता है, दोनों पड़ोसी हैं। आज सूचना मिली कि खुर्शीद अहमद पक्ष के द्वारा मुदस्सिर अहमद, मुबस्सिर अहमद और आकिर अहमद के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें 3 घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों के द्वारा मौका मुआयना किया गया तो सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर मुबस्सिर अहमद की मृत्यु हो गई। बाकी मुदस्सिर अहमद और आकिर अहमद का इलाज चल रहा है, वे खतरे से बाहर बताए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 4 नामजद अभियुक्त सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार 5 टीमों का गठन किया गया है। टीमें रवाना हैं, बहुत जल्दी ही इन नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और सभी सबूतों के साथ इनको जेल भेजा जाएगा। किसी भी